हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कृष्णा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपसे डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के मीनिंग एमरजेंस और फीचर्स की बात की थी और आज हम समझेंगे डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन और ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या डिफरेंस है क्या अंतर होता है ये हम आज के लेक्चर में समझेंगे तो सबसे पहले डिफरेंस समझने के पहले हम समझते हैं कि डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन और ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है तो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इज़ मेनली द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्लान चेंज डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन क्या है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन क्या है प्लान चेंज है और डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इज़ कंसर्न विथ न्यू फंक्संस प्रॉब्लम एंड चेंज जो हमारा डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है वो किससे कंसर्न है न्यू फंक्शन न्यू फंक्शंस न्यू फंक्शंस प्रॉब्लम प्रॉब्लम्स एंड प्लांट चेंज डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है। डेवलपमेंट डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का इम्फेसिस किस पे रहता है इम्फेसिस किस पे रहता है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का वेट ए मिनट डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का इन्फेसिस किस पे रहता है ग्रुप के परफॉर्मेंस पे ग्रुप परफॉर्मेंस पे ग्रुप के परफॉर्मेंस पे फोकस रहता है और म्यूचुअल म्यूचुअल कोलैबोरेशन पे डिपेंड करता है सो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का इन्फेसिस ग्रुप के परफॉर्मेंस और कैसे मतलब कॉपरेशन हो को हो इस पर डिपेंड करता है अब हम लोग बात करेंगे डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बहुत डिटेल में बात की है अब हम लोग समझेंगे ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन इज कंसर्न विद द फुलफिलमेंट ऑफ लीगैलिटी एंड मेंटेनेंस ऑफ सोशल स्टेबिलिटी ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन किस पे कंसर्न करता है कंसर्न कंसर्न विथ फुलफिलमेंट ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ लीगैलिटी लीगैलिटी एंड मेंटेनेंस ऑफ मेंटेनेंस ऑफ सोशल स्टेबिलिटी। ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन का इम्फेसिस किस पे रहता है मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू पर रहता है ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन बिलीव्स किस पे करता है ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन बिलीव्स किस पे करता है ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन का बिलीव्स किस पे रहता है ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन बिलीवस ऑन रूल्स एंड रेगुलेशंस पे जो हमारा डेवलपमेंट uh, एडमिनिस्ट्रेशन है वो किस पे चेंज पे फ़ोकस करता है वहाँ पे नई नई जो भी चेंजेस आते हैं उस पर फोकस वो करता है लेकिन जो हमारा ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन है जो पुराने नॉर्म्स रूल्स रेगुलेशन आ रहे हैं उसी पर वो काम करता है तो बहुत से इस्कॉलर्स ने ट्रेडिशनल और डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को डिफ्रेंसीट किया है तो हम लोग आज समझेंगे डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन सबसे पहले बात करते हैं डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की फ़र्स्ट पॉइंट क्या है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का इट इज़ चेंज ओरिएंटेड डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन किस पे फोकस करता है चेंज ओरिएंटेड पे फ़ोकस करता है यहाँ पे न्यू फंक्शंस प्रॉब्लम और चेंज पर इन्फेसिस करता है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे जैसे कोई भी ये चेंज ओरिएंटेड क्यों है क्योंकि जैसे यहाँ पे हर बार नए तरीके से डिसीज़न लिया जाता है काम करने का तरीका एक ही जैसा पुराना जैसे चलता आ रहा है वैसे नहीं होता है काम करने का तरीका भी बदलता है नई सरकार आती है तो नई तरीके से काम होता है बहुत सरकार के द्वारा अलग अलग योजना पॉलिसीज़ लाया जाता है तो इससे क्या होता है ये चेंज ओरिएंटेड है तो वो डिसीज़न लेने का तरीका और काम करने का तरीका इनका बदलता रहता है इसीलिए ये क्या है चेंज ओरिएंटेड है जो हमारा ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या है स्टेटस को ओरिएंटेड है ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज़ स्टेटस को ओरिएंटेड ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन एम्स टू मेंटेनिंग स्टेटस को एनी चेंज इन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज रिटार्डेड यहाँ पे किसी भी तरीके का अगर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में चेंज होगा तो उसको रिटार्गेट किया जाता है यहाँ पे बहुत ईजिली तो कोई भी चेंज स्ट्रक्चर में नहीं होता है किसमें ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन में डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में चेंज की बात की जाती है और ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन में चेंज की बात नहीं की जाती है अब हम बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की इट इज़ डायनेमिक एंड फ्लेक्सिबल डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन क्या है डायनेमिक और फ्लेक्सिबल है नेचर पे क्यों ये डायनेमिक और आ, फ्लेक्सिबल है क्योंकि यहाँ पर कॉपरेशन और ट्रस्ट पर ज़्यादा जोर दिया जाता है कहाँ पे डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन पे कॉपरेशन और ट्रस्ट पर ज़्यादा फोकस किया जाता है और इट डिपेंड्स मोर ऑन कॉपरेशन एंड ट्रस्ट लेकिन जो ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन है ये क्या है इट इज़ हरारिकल एंड रिजिड ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन क्या है हरारिकल और रेजिड है यहाँ पे क्या है ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन बाउंड विथ हारकल स्ट्रक्चर एंड रेजिडेंट इन नेचर यहाँ पर हमेशा स्ट्रिक्ट और अथॉरिटेटिव इन्वॉमेंट होता है यहाँ पर लोग एक दूसरे के ऊपर इजिली ट्रस्ट नहीं करते हैं जो यहाँ पे बॉस रहते हैं वो अपने एम्प्लॉय पे ईजीली ट्रस्ट नहीं करते हैं नाउ मूविंग टूवर्ड थर्ड पॉइंट डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का थर्ड पॉइंट क्या है इट इम्फेसाइजेज़ ऑन इफेक्टिवनेस इन गोल अचीवमेंट ये क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे डेवलपमेंट uh, एडमिनिस्ट्रेशन में इफेक्टिवनेस ऑफ गोल अचीवमेंट पे इंफेसिस किया जाता है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में पूरी ऑर्गेनाइजेशन का एक ही गोल होता है कि कैसे उसको अचीव करें यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है उनका एक टारगेट रहता है कि हाँ हमें छः महीने में इस गोल को अचीव करना है तो वो इंडिविजुअली नहीं काम करते वे ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू काम करते हैं कि वो पूरे लोगों का एक गोल है कि हाँ इस काम को उनको छः महीने में कवर करना है यहाँ पे क्या है इम्फेस ऑन इकोनॉमी एंड एफिसियंसी ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन पे क्या बोलोगे इम्फेसिस करते हैं किस पे इकोनॉमी और एफिसियसी पर यहाँ पर क्या है ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन इम्फेसिस ऑन इकनॉमी एंड एफिशिएंसी यहाँ पर इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पर फोकस किया जाता है कहाँ पे ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन पे इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे फ़ोकस किया जाता है ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन एम्फसाइजेज़ ऑन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस उनको ऑर्गेनाइजेशन का गोल फुलफ़िल हो रहा है नहीं हो रहा है उससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता लेकिन उनको क्या कॉम्पिटिशन रहता है कि अच्छा मुझे अपना काम करना है इसलिए वो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे फ़ोकस करता है अब हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की इट्स ऑब्जेक्टिव आर कॉम्प्लेक्स एंड मल्टीपल जो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है ये कॉम्प्लेक्स और मल्टीपल है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में चेंज होता है तो नए नए तरीके उनको सीखने पड़ते हैं तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी है और मल्टीपल भी कई सारे काम वो लोग आसानी से कर लेते हैं लेकिन डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है बहुत सिंपल है यहाँ पे क्या है कि कोई चेंज होता ही नहीं है जो चला आ रहा है रूल्स और रेगुलेशन उसी को वो लोग फॉलो करते हैं इसीलिए ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है सिंपल है अब हम फिफ्थ पॉइंट डिस्कस करते हैं डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का इट इज़ कंसर्न विद न्यू टास्क जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन चेंज ओरिएंटेड है जब चेंज किसी काम में होगा तो वहाँ पे न्यू टास्क आएगा न्यू रिस्क आएगा न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगा वो सीखेंगे कि इस टास्क को कैसे करें फिफ्थ पॉइंट ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या रूटीन ऑपरेशन ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन में कोई भी चेंज नहीं होता है जो काम पहले से चला आ रहा है उसी तरीके से उसी काम को करना है तो उसमें कोई भी चेंज नहीं होता है इट बिलीव्स इन डिसेंट्रलाइजेशन ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है सिक्स पॉइंट क्या है इम्पोर्टेंट है इट बी इन डिसेंट्रलाइजेशन डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन किस पे बिलीव करता है डिसेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ डिसेंट्रलाइज्ड वे ऑफ डिसीजन मेकिंग डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का क्या है वो डिसेंट्रलाइज वे है किसमें डिसीजन मेकिंग में और यहाँ पर एम्पेरिकल स्टडीज़ होता है कहाँ पे डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स एंड इम्प्रूव एड्स ऑफ डिसीज़न मेकिंग पे जो सिक्स पॉइंट है ट्रडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन का वो किस पे फोकस करता है इट बिलीव्स इन सेंट्रलाइजेशन डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन किस पे बिलीव करता है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन uh, बिलीव करता है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन बिलीव करता है डिसेंट्रलाइजेशन पे और ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन किस पे फोकस करता है सेंट्रलाइजेशन पे ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन इज सेंट्रलाइज इन नेचर इस डिसीज़न मेकिंग प्रोसेस एंड राइट्स आर हाईली सेंट्रलाइज्ड जो ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन में डिसीजन मेकिंग लिया जाता है जो भी राइट्स है वो क्या है हाईली सेंट्रलाइज्ड होता है और ये क्या है सेवन uh, पॉइंट है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में टू ऑन प्लानिंग डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में क्या है किसी चीज़ को अचीव करने के लिए पहले से ही प्लानिंग किया जाता है अगर कोई पॉलिसी बन रहा है तो उस पॉलिसी को बनाने के लिए पहले से ही प्लानिंग स्टार्ट हो जाता है इट डज़ नॉट रिलइ मच ऑन प्लानिंग जो ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या प्लानिंग पे रिलाई ज़्यादा नहीं करता है जो काम चल रहा है वैसे ही चलने दो वाला इस सिस्टम है ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन में इट इज़ क्रिएटिव एंड इनोवेटिव जो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्रिएटिव और इनोवेटिव है क्योंकि यहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है तो आप किस तरीके से उसको नई नई चीज़ों से नए तरीके से आप डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में काम कर सकते हैं कैसी योजना लाएंगे तो योजना के लिए आपको क्रिएटिव थिंकिंग होना चाहिए कि हाँ हम ऐसे करेंगे काम तो डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए फ़ायदा करेगा तो यहाँ पे क्या है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन पे क्रिएटिव और इनोवेटिव पे ज़्यादा फोकस किया गया है लेकिन ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन इट रेसस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशनल चेंज ये इनोवेटिव और क्रिएटिव पे फोकस नहीं करता ये हाँ अगर कुछ ऑर्गेनाइजेशन में चेंज करना है तो ये लोग ऑर्गेनाइजेशन पे चेंज पे रेसिस्ट रहते हैं नाउ मूविंग टू वर्ड्स पॉइंट डेमोक्रेटिक एंड पार्टिसिपेटिव स्टाइल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या है डेमोक्रेटिक है और पार्टिसिपेटिव स्टाइल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है यहाँ पे सारे लोग का पार्टिसिपेशन होता है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का किसी चीज़ को अचीव करने के लिए सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं ये ग्रास रूट लेवल से कनेक्ट रहता है लेकिन यहाँ पे क्या है ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन uh, में ये अथॉरिटेटिव है और डायरेक्टिव स्टाइल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है यहाँ पे सारे लोग पार्टिसिपेट या फिर सारे लोग अपना व्यूज शेयर नहीं कर सकते हैं यहाँ पे अथॉरिटेटिव रूल रहता है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में कोई भी अपना uh, कोई भी अपना मतलब uh, बता सकता है कि कैसे इसमें चेंज लाना है नहीं ला, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकता है किस में डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में लेकिन यहाँ पे क्या है यहाँ पे कोई डव... आ, अपना व्यू ऑफ पॉइंट वैसे शेयर नहीं करेगा क्यों क्यों क्योंकि यहाँ पर अथॉरिटेटिव रूल्स है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन क्या वाइड स्कोप है और ट्रेडिशनल लिमिटेड स्कोप है टेम्पोरल डायमेंशन डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन क्या है ये टेम्पोरल डायमेंशन है टाइम फिक्स है कि अच्छा इस टाइम तक हमें ये काम कंप्लीट करना है तो एक टाइम पीरियड या टाइम ओरिएंटेड है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कि ये समय को ले के काम करता है कि हमें इस टाइम तक कोई भी काम करना है लेकिन ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन में कोई भी टाइम लिमिट नहीं है जो काम चल रहा है उसे चलने दो विदाउट एनी टाइम ओरिएंटेशन लास्ट इसका डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का क्या फीचर है आउटवर्ड लुकिंग और ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन क्या है इनवर्ड लुकिंग अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि जो टर्म है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इसको किसने सबसे पहले कॉइन किया और फादर ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कौन है तो इससे समझ में आता है कि बोथ डेवलपमेंट एंड ट्रेडिशनल इससे हम लोग क्या समझते हैं कि जो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन क्या हैं एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर जो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन और ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन है क्या है कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर द डिस्टिंक्शन बिटवीन द डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन इज

Please like, share and subscribe. Have a nice day.